नमस्कार दोस्तों, आज कंपैरिजन है दो लेटेस्ट डिवाइस के बीच में। एक तरफ है लेटेस्ट लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी M02S, वहीं इसको कंपेयर करेंगे हम लेटेस्ट लॉन्च वीवो Y12S से। देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइसिंग एकदम सेम टू सेम है, वहीं देखते हैं कि क्या कुछ खास आपको फीचर सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। देखेंगे दोस्तों इन दोनों डिवाइसेस में क्या कुछ खास आपको देखने को मिलता है और इनकी प्राइसिंग 10,000 से कम होने की वजह से क्या ये स्मार्टफोन हो सकते हैं वैल्यू फॉर मनी। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं इनका क्विक कंपेरिजन। तो दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डिस्प्ले कंपैरिजन से देखते हैं कि क्या कुछ खास कंपेरेबल आपको दोनों ही स्मार्टफोन के डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। बात करते हैं सबसे पहले M02S की, देखते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले साइज़ को। तो यहाँ पे 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जबकि वीवो Y12S में 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा HD+ का। अगर बात करें दोस्तों थिकनेस और वेट की, तो एक तरफ थिकनेस देखने को मिलेगी 9.1 mm की, वहीं दूसरी तरफ थिकनेस देखने को मिलेगी आपको 8.4 mm की। बात करते हैं दोस्तों अगर वेट की, तो एक तरफ वेट देखने को मिलेगा आपको 196 ग्राम का, वहीं दूसरी तरफ वेट आपको देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट 191 ग्राम का। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन 20:9 एस्पेक्ट रेशियो पे काम करते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में आपको एक एवरेज डिस्प्ले देखने को मिलेगी, लेकिन अगर इसमें से चूज़ करना हो कि कौन सी डिस्प्ले आपको ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देगी, कौन सी डिस्प्ले में ज़्यादा बेहतर क्वालिटी मिलेगी, तो दोस्तों TFT डिस्प्ले के मुकाबले में IPS डिस्प्ले थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि इसकी आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहती है। तो दोस्तों डिस्प्ले कंपैरिजन के बाद में कंपेयर कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा को, क्योंकि आजकल कैमरा बहुत ज़्यादा कंपेरेबल हो गया है किसी भी स्मार्टफोन मार्केट में। तो दोस्तों एक तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ डुअल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा। एक तरफ मिलेगा प्राइमरी लेंस 13 MP का, तो दूसरी तरफ भी सेम कैमरा लेंस आपको 13 MP का ही देखने को मिलेगा। एक तरफ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपको मिसिंग देखने को मिलेगा सैमसंग में, वहीं वीवो में भी आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों डेप्थ लेंस की बात की जाए तो 2 MP का डेप्थ लेंस है सैमसंग में, 2 MP का ही डेप्थ लेंस है आपको देखने को मिलेगा वीवो में। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ आपको सैमसंग में देखने को मिलेगी मैक्रो लेंस, जो 2 MP का है, जबकि मैक्रो लेंस यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलेगा आपको वीवो Y12S में। सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो दोस्तों एक तरफ 5 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी, तो दूसरी तरफ 8 MP की सेल्फी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों कैमरे के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन एवरेज नज़र आएंगे। प्राइमरी कैमरा 13 MP का देखने को मिलेगा दोनों ही स्मार्टफोन में। एक तरफ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पे मैक्रो लेंस से, तो दूसरी तरफ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दोनों ही स्मार्टफोन में मिसिंग देखने को मिलेगा। कुल मिला के बात की जाए तो दोस्तों ट्रिपल कैमरे के मुकाबले डबल कैमरा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी भी आपको लगभग सेम देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ ब्यूटिफिकेशन मोड के जरिए आपको थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे वीवो, लेकिन दोस्तों ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पे सैमसंग का ज़्यादा बेहतर दिखेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं प्रोसेसर में क्या कुछ खास देखने को मिलता है आपको दोनों स्मार्टफोन में। तो बात करें दोस्तों सैमसंग की, तो यहाँ पे 1.8 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो वर्क करता है स्नैपड्रैगन 450 पे। 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी 15W के फास्ट चार्जिंग के साथ में। जबकि बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे वीवो Y12S की, तो यहाँ पे जो दोस्तों आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा 2.3 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो वर्क करता है मीडियाटेक हेलियो P35 पे। 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, साथ ही 10W की नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिलेगी। कुल मिला के देखा जाए तो दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन में प्रोसेसर आपको एकदम पुराने देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन बेहतर देखने को मिलेगा सैमसंग में, बाकी प्रोसेसर में भाई कुछ कंपेरेबल है नहीं। फिर भी दोस्तों स्नैपड्रैगन थोड़ा कम हीट करता है। बात करते हैं दोस्तों एडिशनल फीचर की, तो एडिशनल फीचर में इतना कुछ खास कंपेरेबल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात करें दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 10 देखने को मिलेगा, जबकि 11 का ज़माना आ गया है। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाए तो यहाँ पे साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा आपको वीवो में, जबकि सैमसंग में तो फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को ही नहीं मिलेगा। हालांकि फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी M02S और वीवो Y12S दोनों ही स्मार्टफोन में आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। दोस्तों प्राइसिंग भी लगभग ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम होने वाली है, कैमरा क्वालिटी भी सेम है, बैटरी भी सेम है, हालांकि थोड़ी फास्ट चार्जिंग का फर्क है, और परफॉर्मेंस में तो आप हल्की फुल्की मल्टी टास्किंग तो कर ही सकते हो। दोनों की ही प्राइसिंग दोस्तों अंडर 10 है। बात करते हैं दोस्तों वीवो Y12S की, तो 3 GB रैम 32 GB मेमोरी वाला वेरियंट यहाँ पे आता है 9,990 रुपये का,
जबकि सैमसंग का 4GB रैम 64GB मेमोरी वाला वेरियंट भी आता है 9,990 रुपये का। तो प्राइसिंग के हिसाब से दोस्तों थोड़ा सा बेहतर ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको सैमसंग गलेक्सी M02S। हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये स्मार्टफोन इसके मुकाबले यहाँ पे वैल्यू फॉर मनी नज़र आ रहा है। बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कौन सा स्मार्टफोन है ज़्यादा पसंद और किसकी कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेहतर रहती है, वीवो की या फिर सैमसंग की। दोस्तों बाकी आप कमेंट करके बताओ अपने सजेशन कि दोनों की ही प्राइसिंग एकदम सेम है, स्पेसिफिकेशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, आप कौन सा स्मार्टफोन सजेस्ट करते हो। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कमाल की लेटेस्ट कंपैरिजन वीडियोस में आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।